ग्राम पंचायत तिलालिया के युवाओं के द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के भ्रष्टाचार के कारनामों से कलेक्टर डॉक्टर चंद्र मोहन ठाकुर, जिला पंचायत के सहायक परियोजना अधिकारी हृदय राठौर को सबूतों के साथ अवगत कराया है। जागरूक युवाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना, खेत मेड़ बंधान योजना, सड़क नाली निर्माण, हैंडपंप खनन, वृद्ध अवस्था पेंशन, विधवा दिव्यांग पेंशन सहित अन्य निर्माण कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। ग्राम पंचायत तिलालिया विधानसभा क्षेत्र बुधनी जनपद पंचायत नसुल्लागंज के अंतर्गत आती है। तिलालिया के जागरूक युवाओं के द्वारा निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की आशंका होने पर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक से हिसाब मांगा गया था, जिसके बाद जनता के प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, सरपंच, प्रशासन के नुमाइंदे, सचिव और रोजगार सहायक बुरी तरह भड़क गए थे। इनके द्वारा जागरूक युवाओं को अपशब्द भी कहे गए और ग्राम सभा की बैठक में भी सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक नहीं पहुंचे। दूसरी ओर विभिन्न जनहितैषी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर भी आवैधानिक रूप से राशि वसूली की शिकायतें हितग्राहियों के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत राशि 1,38,000 रुपए और शौचालय निर्माण की 12,000 रुपए की स्वीकृत राशि दस्तावेजों में निकाल ली गई है, लेकिन हितग्राहियों को नहीं मिली है। जागरूक युवाओं के द्वारा सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। कलेक्टर को शिकायती पत्र देकर दोषियों को सजा देने, हितग्राहियों के उनके हक की राशि दिलाने की मांग की गई है। सर, मामला इस बात का है कि 15 अगस्त को सरपंच, सचिव, जनपद सदस्य एवं चेयरमैन साहब एवं ग्राम के सभी युवा साथी एवं बुजुर्ग, इनके बीच मतलब हम लोगों ने पंचायत का लेखा जोखा मांगा गया, तो इस बीच में हमें इन सभी लोगों ने गुमराह किया। इनकी समस्या है और विगत कई दिनों से हमने समस्याएं देखी है और समस्याओं को नजदीकी जाकर के देखा है हमने। समस्या ऐसी है कि जिन लोगों को शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मिल तो पा रहा है, परंतु उतना नहीं मिल पा रहा है जितना शासन उनके लिए करता है। बिल्कुल, बोले तत्काल आपको एक महीने के अंदर आवास दे दिया जाएगा। उस टाइम लिस्ट भी बनाई थी पंचायत द्वारा, पंचायत लेवल पे बनी हुई है, अभी तक उसका कोई भी लाभ नहीं मिला सर। और मतलब खाद्यान्न के लिए थोड़े से पैसे दिए थे, सभी लोगों को बोल दिया, बोले आपका सब हो गया इसी में। ग्राम पंचायत की समस्या ये है कि ग्राम पंचायत तिलाड़ियों को ODF घोषित कर दिया गया है पंचायत द्वारा, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं अभी भी कि उनको शौचालय का लाभ नहीं मिला है। जिसके पश्चात एक समस्या ये भी है कि कई परिवार को जो आवास योजना का लाभ मिला है, जिसकी स्वीकृत राशि होती है 1,38,000, तो उसमें से किसी को 1,20,000 दिए गए हैं, किसी को 1,35,000 दिए गए हैं। तो जो मनरेगा राशि होती है 18,000 की, तो उसमें से किसी को पूरे ही नहीं दिए गए हैं, किसी के 3,000 गोल, किसी के 18,000 गोल। तो इस प्रकार के कई घोटाले हमारी पंचायत द्वारा किए गए हैं। तो मेरा बिना पूरा मामला ये है कि ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य होना था वो हुए नहीं है, जो मतलब उसमें भी कई सारे गड़बड़ियाँ पाई गई है। पैसा तो निकाला गया मगर जो लगना चाहिए वो नहीं लगाया गया। कुछ लोगों के शौचालय के लिए 12,000 रुपये की राशि मिलनी थी, उन्हें वो भी नहीं मिली गई है। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास की लास्ट की 15,000 की जो किस्त मिलनी थी, जो कि जाप कार्ड के माध्यम से मिलनी थी, मगर उन लोगों को वो भी पूरी नहीं मिल गई। किसी को उसमें 5,000 मिला, किसी को 10,000 मिला। इस प्रकार का पंचायत में बहुत सारा गबन किया गया, इसकी जानकारी जनपद CO, सरपंच, सेक्रेटरी को भी दी गई, मगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। सर, अभी हमारे खेत का जो ग्रामीण योजना वाला रोड आता है, तो वो रोड बना था सर, तो उसमें सर अभी वो रोड पूरा नहीं बना है और यहाँ पे पुलिया गड़ी गई है। बीच में सर हमारे कलेक्टर साहब भी गए थे, तो वहाँ पे मैं कलेक्टर साहब के सामने खड़ा हो गया था कि मैंने कि सर हमारा पूरा रोड नहीं बना है। तो कलेक्टर साहब ने जो है वहाँ पर आश्वासन देके गए सभी को, सरपंच साहब को, वहाँ के हमारे जो हैं तहसीलदार साहब, SDM साहब, सभी पूरा स्टाफ था कि भाई इनका पूरा रोड बनना चाहिए। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।